हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम बनाते हैं राजस्थान की एक बहुत फेमस और बहुत स्पेशल स्वीट डिश जिसे कहते हैं बेसन चक्की। साथ ही बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपकी बेसन चक्की कभी भी खराब नहीं होगी और आप इसे इजीली बना सकेंगे। यहाँ पर बेसन चक्की बनाने के लिए मैंने लिया है 700 ग्राम बेसन। 700 ग्राम बेसन के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मेल्टेड घी, यह है 60 ml घी। यहाँ पर घी को मैंने अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर दिया है। अब हम इस बेसन को बांधेंगे दूध की हेल्प से। यह है मेरे पास दूध जिसे मैंने अच्छे से उबाल कर ठंडा कर लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और एक पूरी के जैसा सख्त आटा हम इसका बांधेंगे। ये देखिए, इस तरह से दूध की हेल्प से मैंने एक सख्त आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। हमने जिस बेसन को बांध के लिया है उसे मैंने इस तरह से 6 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। इस तरह की मोटी मोटी जिसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं, वैसी लोई मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली है। इस लोई से अब हम बनाते हैं एक मोटी सी रोटी। ये देखिए, इस तरह से एक मोटी सी रोटी इस तरह से मैंने यहाँ पर बेलकर तैयार कर ली है। ये देखिए इसकी थिकनेस। इसी तरह से हम हमारी सभी रोटियों को बेलकर तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने हमारी सभी रोटियों को बेल लिया है। अच्छे से हम घी से तवे को ग्रीस करेंगे। इसके ऊपर रख देते हैं हमारी रोटी को सिकने के लिए। गैस का फ्लेम हमारा एकदम से स्लो रहेगा। स्लो फ्लेम पर ही हम दोनों साइड अच्छे से घी लगाकर इस रोटी को सेकेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारी रोटी को सिकते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हो गया है। इस स्टेज पर यहाँ पर इस रोटी में हम डाल देते हैं और घी। इस तरह से इस साइड भी हम अच्छे से रोटी पर घी लगा देंगे और इसे टर्न कर देंगे। देखिए, बहुत स्लो गैस में ही इसे हमें अच्छे से सेकना है। यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। इसी तरह से स्लो स्लो गैस पर हम दोनों साइड घी डालते जाएंगे और हमारी रोटी को अच्छे से सेकते जाएंगे। ये देखिए, लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं हमारी रोटी को दोनों साइड से बढ़िया से घी में सेकते हुए। रोटी को आपको दिखा देती हूँ टर्न करके। ये देखिए, दूसरी साइड से भी रोटी हमारी बहुत बढ़िया से गोल्डन हो गई है। रोटी हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह से हम हमारे सभी रोटियों को तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी रोटियों को सेक लिया है और बहुत बढ़िया सभी रोटियों में गोल्डन कलर आया है। इस तरह से सभी रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और इन्हें थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी रोटियों को चूर लिया है और हमारी रोटियां बहुत अच्छे से ठंडी भी हो गई है। अब इन्हें हम एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं। इस तरह से मिक्सी के जार में हमने हमारे चूरे को डाल दिया है। अब अच्छे से इसे पीस लेते हैं। ये देखिए, बहुत जल्दी ही इसका अच्छे से पाउडर तैयार हो गया है। जो हमारी आटा छानने की छन्नी होती है उसी में हम इसे अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए, कितना बढ़िया बूरा हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। बेसन चक्की के बूरे को सेकने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम के लगभग देसी घी। हमारा घी यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो गया है। इसमें ऐड कर देंगे हमारा बेसन चक्की का जो बूरा हमने बनाकर तैयार किया है उसे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इस बूरे को बढ़िया से सिकाई करेंगे। यही एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हमारी बेसन चक्की का टेस्ट डिपेंड करता है। मीडियम और स्लो गैस पर हमें इसे बहुत अच्छे से भूनना है। यहाँ पर हमारे गैस का फ्लेम स्लो ही रहेगा। बाद में हम थोड़ा सा इसे मीडियम करेंगे, लेकिन पहले 10 से 12 मिनट हम इसे स्लो गैस पर ही इसी तरह से अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर पूरे 20 मिनट लगे हैं मुझे इस तरह से चक्की के दर को सेकने में। बढ़िया सी हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है इस तरह से बेसन चक्की का बूरा तैयार करने में। ये देखिए, इसका कितना बढ़िया कलर आ गया है। ये देखिए, लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं और चक्की का बूरा हमारा अच्छे से थोड़ा ठंडा हो गया है। इसमें अब हम ऐड कर देते हैं इलायची का पाउडर। ये है 6 से 7 इलायची का पाउडर। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 600 ग्राम चीनी। 600 ग्राम चीनी में हम डाल देते हैं 300 ml के लगभग पानी। यहाँ पर हम एक तार की चाशनी बनाएंगे।
यहाँ पर हमारी चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है और बढ़िया सा बॉईल आ रहा है हमारी चाशनी में। यहाँ पर एक तार आएगा तब तक हमें चाशनी को इसी तरह से कुक करना है। ये देखिए हमारी चाशनी यहाँ पर लगभग होने को आई है। आइए चाशनी को चेक कर लेते हैं। चाशनी चेक करने के लिए इस तरह से एक प्लेट लेते हैं, उसमें कुछ ड्रॉप्स चाशनी की डाल देते हैं, थोड़ा सा चाशनी को ठंडा करते हैं। ये देखिए हमारी चाशनी से एक तार आने लगा है। बस इतना ही हमें चाशनी को कुक करना है। आइए चाशनी में ऐड कर देते हैं थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। अच्छे से हमारे फूड कलर को इसमें मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पर हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देते हैं जो चक्की का बोरा हमने बना कर रखा था, उसे हम यहाँ पर इस स्टेज पर इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पर गैस की फ्लेम को स्लो कर देते हैं और हमारे बोरे को अच्छे से चाशनी में मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और बढ़िया सा इस बेसन चक्की को अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ पर इस स्टेज में हम इसमें मिक्स करेंगे घी, ये है लगभग 150 ग्राम घी। इस तरह से जब हम बेसन चक्की में घी मिक्स करते हैं उसी से हमारी बेसन चक्की बहुत सॉफ्ट और बहुत बढ़िया बनती है। यहाँ पर हमने किसी मावे का यूज़ नहीं किया है हमारी बेसन चक्की में, फिर भी हमारी बेसन चक्की बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बनेगी क्योंकि यहाँ पर इसमें हमने इस तरह से घी का यूज़ किया है। यहाँ पर इस स्टेज पे हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से थोड़ा ठंडा होने देना है। यहाँ पर हमें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है, उसके बाद हम बर्फ़ी को सेट होने के लिए रखेंगे। ये देखिए लगभग 4 से 5 मिनट तक इसे मैंने आराम से थोड़ा ठंडा होने दिया है और बढ़िया सा हमारा यहाँ पर गाढ़ी भी हो गई है। इस तरह से जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गई है अब हमारी यहाँ पर बेसन चक्की। यहाँ पर मेरे पास एक ट्रे है जिसे मैंने अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। इस स्टेप पे अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारा चक्की का पूरा बैटर। इस तरह से मैंने बेसन चक्की को इसमें अच्छे से सेट होने के लिए डाल दिया है और इसे अच्छे से हम इस तरह से टैप करते हुए बढ़िया सा सेट कर देते हैं। बेसन चक्की को तो हमने सेट होने के लिए रख दिया है, अब इसे थोड़ा गार्निश करेंगे। उसके लिए मैंने ली है थोड़ी सी पिस्ता की कतरन, थोड़ी सी काजू की कतरन और थोड़ी सी ही मैंने ली है बादाम की कतरन। अच्छे से इस तरह से बेसन चक्की के ऊपर हम ऐड कर देते हैं हमारी काजू, बादाम और पिस्ता। ये देखिए बेसन चक्की को मैंने सेट कर दिया है और इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग की है। कितना बढ़िया लुक आया है हमारे बेसन चक्की का। बिना किसी मावे का यूज़ किए इतनी बढ़िया और टेस्टी मिठाई हमने बनाकर तैयार की है। लगभग आधा घंटा हो गया है और हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। इस तरह से एक नाइफ की हेल्प से अच्छे से इसे इस तरह से कट लगा देंगे। इस तरह से स्क्वायर पीसेस में यहाँ पर मैं बेसन चक्की को कट कर रही हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी बेसन चक्की बनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने बेसन चक्की को कट कर लिया है और बहुत बढ़िया से पीस हमारी बेसन चक्की के बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए देखिए बेसन चक्की आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया बनी है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट टेक्सचर है हमारी बेसन की चक्की का। इस तरह की बेसन चक्की यहाँ पर मैंने बनाकर तैयार की है। बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया इस तरह से बेसन चक्की को मैंने बनाकर तैयार किया है। इस तरह की बेसन चक्की आप भी अपने यहाँ एक बार ज़रूर से ट्राई करें। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।